सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं ट्रॉन को और कार्डानो को एंड बिटकॉइन को, तीनों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। और गाइस, जो ट्रॉन और कार्डानो के लिए कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही है, तो बिटकॉइन इन दोनों न्यूज़ को कहीं ना कहीं कोई फर्क पड़ने नहीं दे रहा। अब क्या चीज़ें आ रही है देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉन के बारे में। अब यहाँ पर जस्टिन सर ने, यहाँ पर देख सकते हो आप, कुछ ट्वीट किया है 2 आवर्स पहले ही। अभी जस्टिन सर ने यहाँ पर लिखा है कि TRX ATN ऑफिशियली बीन लिस्टेड ऑन द वर्ल्ड टॉप स्टॉक एक्सचेंज। तो जो यहाँ पर टॉप एक्सचेंज है स्टॉक्स, तो उस पर यहां पर लिस्ट हो चुका है ये ट्रॉन। तो अब यहां पर इसमें जो भी अच्छी न्यूज थी यही न्यूज थी। एंड इसके अलावा अब कार्डानो के बारे में हम जानते हैं, जो कि कार्डानो का सबमिट इवेंट चल रहा है 2021, जो कि आप यहां पर देख सकते हो 10 घंटे पहले, गेट रेडी फॉर द पावर ऑफ मैनी। तो यहां पर इसके अलावा देख सकते हो जो कुछ अच्छी न्यूज आई थी कार्डानो को, अभी यहां पर देख सकते हो 18 मिनट पहले लेजेंडरी ब्लेसमैन गेटर प्लेस एंड रॉक। तो यहाँ पर ये देख सकते हो NFT लॉन्च कर दिया गया है कार्डानो के ऊपर, कार्डानो कलेक्शन ओनली एडिशन NFT माइंटेड। एंड यहाँ पर जो और भी कुछ अच्छी न्यूज़ है वो यहाँ पर आप देख सकते हो Coinbase। और इसके अलावा अभी मैं आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ कार्डानो की, जो कार्डानो ने यहाँ पर अभी कुछ ही टाइम पहले पोस्ट किया था कार्डानो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी जितने भी न्यूज़ आ रही है बाइनेंस वगैरह और शिबा इनू को लेकर भी काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है, वो सब मैं एक अलग वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। बट यहाँ पर हम कार्डानो के बारे में जो अच्छी न्यूज़ है वो कवर। सो अभी आप देख सकते हो एक न्यू ट्वीट यहाँ पर आ चुका है, अभी स्क्रॉल करते करते, पार्टनरशिप अनाउंसमेंट लिशन एंड वी स्पोर्ट्स फैंस, जो स्पोर्ट्स के फैंस हैं उनके साथ पार्टनरशिप हो चुकी है कार्डानो की। एंड और भी कुछ न्यूज़ अब ये यहाँ पर आप देख सकते हो, जेरेमी फर्स्ट ही यहाँ पर द फर्स्ट लेजेंडरी रॉकर वॉस NFT कलेक्शन लॉन्चिंग ऑन कार्डानो। तो कार्डानो के ऊपर एक NFT भी लॉन्च कर दिया गया है। इसके अलावा बिटकॉइन के बारे में हम जान लें। सो यहाँ पर आप बिटकॉइन देख सकते हो, बिटकॉइन फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स में यहाँ पर 28 फेयर पे यहाँ पर, तो अभी फेयर में चल रही मार्केट, मतलब यहाँ पे अब बाइंग की एंट्री होती है, जितने भी लोगों को बाई करना होता है वो यहाँ पर बाई कर सकते हैं। और ये अभी की पोस्ट है 8 घंटे पहले की, अभी तक भी मार्केट नहीं उठी है जब तक कि मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो भले ही एक अच्छी न्यूज़ आ रही है ट्रॉन के अंदर, कार्डानो के अंदर, बट मार्केट में अभी कोई पंप देखने को नहीं मिल रहा है। जब तक BTC यहाँ पर रहने वाला है डाउन, सभी कॉइन डाउन रहेंगे। जैसे ही बिटकॉइन में एक पंप मिलता है वहीं सारे कॉइन अप जाएंगे। सो जैसी और कोई अपडेट मिलती है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।